तो दोस्तों आप भी अपने कोई भी रियलमी C2 या रियलमी C3 या कोई भी रियलमी के डिवाइस में ऑटो वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड कोई भी स्टेप मिस मत करना। ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं है रियलमी की कोई भी डिवाइस में कि आपका होम स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटो चेंज हो, ऑटोमेटिक होम स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज हो। या आप भी करना चाहते हो तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना एंड आप मेरे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा जिसका नेम एंड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहां से उसको सिंपली इंस्टॉल करने के बाद एंड उस एप्लीकेशन को आपको सिंपली ओपन करना पड़ेगा एंड ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो चेंज वॉल पेपर भी है इसको आपको 30 को मिटा कर आपको 1 कर देना पड़ेगा एंड 1 करने के बाद इसमें नीचे बहुत सारे है चेंज वॉल पेपर लॉक स्क्रीन। आपको लॉक स्क्रीन के भी ऑटो वॉल पेपर चेंजिंग चाहिए तो कर लो, लेकिन वो सिस्टम में है तो वो करने की ज़रूरत नहीं। उसके नीचे चेंज वॉल पेपर इन डबल टैपिंग ऑन होम स्क्रीन, तो आपको सिंपली इस लास्ट वाले को टिक मारना पड़ेगा एंड वो करने के बाद आपको सिंपली एल्बम में जाना पड़ेगा। एल्बम में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी वॉल पेपर को आपको चाहिए होम स्क्रीन पे ऑटो सिलेक्ट करने के बाद। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके रखा हूँ तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, मैं ऑलरेडी इसको सिलेक्ट करके रखा हूँ। एंड ये करने के बाद आपको सिंपली इसके बाद जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर फील है, फील पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर लॉन्चर कर देना पड़ेगा एंड उसके बाद जो भी है उसको रखने दो। एंड ये करने के बाद आपको और भी आपको कोई भी वॉल पेपर सेट करना चाहते हो उसके अंदर, तो आपको सिंपली जो भी इसमें ऐड है तो आपको जो भी वॉलपेपर है उसके ऊपर टच करना पड़ेगा एंड टच करने के बाद आपको जो भी चाहिए वो भी इस प्लस आइकॉन के ऊपर टच करते ही आपको वॉल गैलरी के अंदर चल जाएगा एंड वहाँ से आपको सिंपली उसको ऐड करना चाहते हो। तो ये था कुछ, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम हमारा होम स्क्रीन पे जाते हैं। हम हमारा होम स्क्रीन पे आ चुका है एंड यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप डबल टैप करोगे तो आप डबल टैप करोगे तो आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना, मैं डबल टैप कर रहा हूँ स्क्रीन के अंदर तो मेरा वॉलपेपर चेंज हो रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसा नहीं बड़ी इंटरेस्टिंग है ना इंफॉर्मेशन टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।